तो हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक। क्या इन चीज़ों से आप देख रहे हो मेरे पास ये सारे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? क्या इन चीज़ों से आपने कभी कुछ ऐसा ट्राई किया है जो बहुत ही यमी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला हो? और अगर नहीं किया है तो ये देख रहे हो यहाँ पर मैंने बनाया है। तो इन तीन चीज़ों को यूज़ करके मैंने क्या बनाया है वो आपको पूरा वीडियो देख करके पता चलेगा। तो और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, ये घुटनी बोलते हैं इसको, यहाँ पर शुगर रख रखा है मैंने, ये खोआ है, ठीक है। तो ये रहे दो अंडे। अब मैं बताती हूँ मैं इसका करने क्या वाली हूँ। तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं करने क्या वाली हूँ। वैसे तो मैं ये सोच रही थी बहुत दिनों से, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था ख़राब हो जाएगा। वैसे पता नहीं अभी भी क्या होगा, अभी भी कुछ मालूम नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा लेकर के एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। एक्चुअली बहुत दिनों से मुझे पुटीन खाने का बहुत मन है। तो हमारे यहाँ बिहार में बहुत अच्छे मतलब बनते हैं, पुटीन बनाते हैं लोग। वैसे यहाँ बेंगलोर में तो वो चीज़ें पॉसिबल अभी मुझे दिख नहीं रही है। वैसे रेडीमेड मिलते हैं शॉप्स में, बट वो मुझे नहीं पसंद है। तो मैंने सोचा कि आज मैं घर पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ, जो कि कोयला पे बनता है, चारकोल पे। तो वो चीज़ तो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ दूसरे तरीके से, ठीक है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को मेरा ये जो एक्सपेरिमेंट है वो पास होता है या फेल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने दो अंडे डाले इसमें, ये खोआ है, और एक स्पून में सिर्फ शुगर डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी खोआ में शुगर है। थोड़ा सा और डाल देती हूँ, ये थोड़ा सा और डाल दिया मैंने, बस इतना ही डालूंगी। इसको मैं अच्छे से इससे मिक्स करूंगी, जिसे हम दाल घोटते हैं ना उसी से। तो पहले मिक्स कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे इसके साथ होने क्या वाला है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी ये देखो सही है, यहाँ तक तो सही है। मतलब ये तो नॉर्मल है ना, जब इसको पकाना है मुझे ना, तब का देखना है मुझे कि ये पक कर के कैसा बनता है, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको रेडी करके। पहले तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इतने दिनों से मैं सोच ही रही थी, तो मैंने सोचा लाओ एक बार थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने में क्या जा रहा है, अच्छा होगा तो अच्छा होगा, खराब होगा तो खराब होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ तो होनी ही है ना। तो ये रेडी हो चुका है, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, घुट लिया था। यहाँ पर मैंने पतीले में थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया जब तक ये थोड़ा सा गर्म होगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। इसको पहले तो थोड़ा सा इस पर क्या कहते हैं कि कोयले पे हीट दिया जाता है, तो कोयला तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा लो फ्लेम पर इसको यहाँ से हीट दे दूँ, उसके बाद मैं इसमें इसको डालूँगी। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा घी, दो टेबलस्पून, बस इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा वरना फिर। ये रही एक इलायची, मैंने अभी फ्लेम बंद कर दिया है वरना ज़्यादा जल जाता था घी। अब मैं इसमें ये मिक्सचर डाल दूँगी, बाकी आगे जो होता है ना वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो थोड़ा सा हीट देने के बाद मैंने अब इसको अंदर डाल दिया है, इसमें स्टीम पे पकाऊंगी मैं, अब देखते हैं क्या होता है आगे। डाल तो दिया है, अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है, देखते हैं। वेट करते हैं, अब कम से कम उसको स्टीम पे मुझे 15 से 20 मिनट तो पकाना है। बीच बीच में चेक करती रहूँगी वरना इंतज़ार में पता नहीं क्या हो जाए। तो अब टाइम हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। आई थिंक 15 to 20 मिनट्स तो हो ही गए। यार पता नहीं क्या हुआ होगा। वाओ, फूल तो गया है, लेकिन वो कलर जो आना चाहिए ना ऊपर से, वो कलर नहीं। मिशन सक्सेसफुल दिख रहा है, लेकिन कलर जो ऊपर से एकदम वो जो हीट पे पकाते हैं ना कोयले पे, तो वो वाला नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ इसको पलट करके ना
थोड़ा सा डायरेक्ट हीट लगा दिया जाए, फिर देखते हैं कैसा होता है। वाह यार, सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैंने वो कर लिया। ये देखो इसका कलर देखो, इसको मैंने पलटी किया है अभी, मतलब अभी मैंने पकाया नहीं, अभी बस पलटा है इसको कि दूसरे साइड से इसको डाल करके पकाना है। अब मुझे यकीन हो गया, सक्सेसफुल ही होगा। पूरा दिखाती हूँ मैं कंप्लीट करके। तो ये अब यहाँ से डायरेक्ट हीट पे पकेगा ताकि इस तरह का कलर उधर साइड से भी आ जाए, थोड़ा सा अंदर से वो पक भी जाए। तो देख लिया, यकीन तो खैर मुझे भी नहीं हो रहा कि वाकई में ऐसा हो गया है, बट कोई नहीं, अभी मैंने दूसरे साइड से पलट के डाला है उसको, थोड़ा सा उधर भी तो कलर आ जाना चाहिए तब ना अच्छा दिखेगा। पक गया है बिल्कुल एकदम, वो अंदर से बिल्कुल कच्चा वच्चा नहीं है। मैंने टूथपिक डाल करके और उसके बाद चाकू डाल करके दोनों डाल करके चेक कर लिया है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, पक तो अच्छे से गया है, बस मुझे थोड़ा सा कलर चाहिए उसमें, तो उसके लिए मैंने पलट के पकाया उसको। तो अब मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर के आप लोगों को बोल सकती हूँ कि एक बार तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर कर लो, और बिल्कुल जैसे मैंने किया है ना एकदम सेम प्रोसेस करो। आपको कोयले की इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे तो अवन में इन सब में लोग कर लेते हैं, लेकिन आप बिना इस सब चीज़ों के भी कर सकते हो। मैंने कर लिया है फाइनली। मैं इतने दिन से सोच रही थी करूँ या ना करूँ, होगा कि नहीं होगा, शुक्र है अल्लाह का हो गया। अब मैं हमेशा जब भी मन करेगा ना ऐसे ही बना के खा लिया करूँगी, ज़्यादा झमेले सोचने की इधर उधर ये से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद बनाओ खुद खाओ। ये देखो अभी मैंने गैस से नीचे उतार दिया है इसको, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको दूसरे साइड से पलट के देखेंगे। तो ये देखिए, ये दूसरे साइड का है और ये है पहले साइड। कितना ही खूबसूरत दिख रहा है देखने में, तो देखो इसका कलर देखो। तो फाइनली बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बाकी वो तो आप जब जिस वक्त हस्बैंड खाएंगे उस वक्त आप लोगों को इसका टेस्ट पता चलेगा। तो वेट करते हैं डिनर टाइम का, जब तक मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। यहाँ पे डाला मैंने थोड़ा सा, इधर मटन रेडी हो गया था, मैंने थोड़ा सा इसमें कोथमीर डाल दिया। मटर पुलाव ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, अब इसको मैं स्टीम पे पकाने वाली हूँ थोड़ा देर, ताकि जो भी थोड़ा बहुत पानी रहता है ना वो निकल जाएगा। पहले ना मेरे से ऐसा पुलाव बनता ही नहीं था, देख रहे हो कितना एकदम मस्त है, खिले खिले चावल। पहले मुझसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनता था, बट अब मैंने सीख लिया है ऐसा दिख रहा। तो यहाँ पे डाला है मैंने थोड़ा सा सैफ्रॉन और कोथमीर। तो गाइज अब है टेस्ट करने का टाइम, अभी आपको बताती हूँ मैं ये टेस्ट कैसा है इसका। वैसे अभी तक इन जनाब को पता ही नहीं है कि ये है क्या, देखने में क्या लग रहा है वो गेस करके बताओ। नहीं मालूम ना, टेस्ट करो। क्या लग रहा है? पुडिंग करेक्ट। अब ये बताओ कि मैंने कैसे बनाया इसको, ये तो आपको व्लॉग देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि जब मैं बना रही थी ना तो ये भी नहीं थे घर पे, इसीलिए अभी तक मालूम ही नहीं है किसी को कि ये कैसे बनाया है मैंने, वो तो जब सब व्लॉग देखेंगे तब पता चलेगा। मैं भी टेस्ट करती हूँ। अच्छा है, पुडिंग वाला टेस्ट है ना, बस थोड़ा सा चीनी कम हो गया क्योंकि मुझे खोआ में चीनी लगा था कि होगा, इसलिए मैंने चीनी थोड़ा सा कम डाला, बाकी एकदम परफेक्ट है। तो आप लोग भी ट्राई करो, बहुत ही अच्छा बनेगा।